कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर सिटी कोर्ट में वालिद की मुबैना फायरिंग से एक लड़की जान बहक जबकि राहगीर जख्मी हो गया। लड़की पसंद की शादी करने कोर्ट पहुंची थी, जिसे वालिद ने फायरिंग करके कत्ल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की की अदालत पहुंचने के बाद वालिद ने पुलिस एहलकार की राइफल छीन कर फायरिंग की, जो घर वालों की मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंची थी। दोनों के दरमियान पहले तल्ख कलामी हुई। फायरिंग का निशाना बनने के बाद खातून को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। फायरिंग से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। मौका पर मौजूद वकला ने फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सिटी कोर्ट थाने के SHO आदिल ने बताया कि सिटी कोर्ट में फैमिली तनाजा पर वालिद अमीर जान ने 23 साल बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उनका कहना था कि गेट नंबर 4 पर हेड कॉन्स्टेबल खैबर जमान को मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है।